फ्रेंड्स, पपीता खाओगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्यूटी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा फेशियल, और जो कि बहुत अच्छा है झाइयों के लिए स्पेशली। और गाइस, ये पपाया है वो भी पका हुआ, और इसे मैं खाऊंगी और स्किन पे भी लगाऊंगी, क्योंकि पपीता हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब आप लेके आओगे तो पूरा मत खाना, थोड़ा सा बचा लेना इस अमेजिंग से फेशियल के लिए, ताकि आप अंदर से तो हेल्दी रहोगे ना, ताकि बाहर से आपकी स्किन भी हेल्दी रहे। तो फिर चलिए आज का स्पेशल पपाया फेशियल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये लीजिए, अगर आप लोगों को पपीता पसंद है तो खाइए, और अगर नहीं है तो उसे अपनी स्किन पे लगाइए, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फेशियल करना करते हैं स्टार्ट। उसके लिए आपको पपीता को थोड़ा सा कट करना है, उसे वॉश कर लीजिए पहले, उसके बाद कट कर लीजिए, और फिर करना है आपको ग्राइंड। एंड ग्राइंड करने के बाद आपको इस तरीके का पेस्ट जो है वो मिल जाएगा, ओके? एंड आप चाहिए तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि पका हुआ पपीता है तो आसानी से मैश हो जाएगा ना। इतना ले लिया है मैंने यहाँ पे, तो इसको हम तीन स्टेप में बांटेंगे, फर्स्ट क्लींजिंग, सेकंड स्क्रब, और थर्ड फेस पैक में। तो सबसे पहले करते हैं क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के लिए मैं लूंगी एक कटोरी, और उसमें डालूंगी मैं, तो गाइस सबसे पहले आप एक टेबलस्पून ले लीजिए पपाया का पेस्ट, और इसमें आपको मिक्स करना है एक ही टेबलस्पून रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, एंड आपका जो क्लींजिंग है वो तैयार है। बहुत ही अच्छा है, आपके फेस पे जो भी गंदगी होगी, डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल देगा ये अच्छी तरीके से। और बस ये बनकर अभी रेडी है, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड अब आपको करना क्या है, आपको अपने फेस को क्लीन करना है। मेरे फेस पे अभी सिर्फ आईलाइनर एंड लिपस्टिक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अभी कॉटन की हेल्प से इसे आप अपने फेस पे लगा लीजिए। आपको इसे अपने पूरे फेस पे लगाना है, और थोड़ा करके मतलब साफ करना है आपको अपने फेस को इससे। गाइस, पपाया में विटामिन ए सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एक्ने प्रोन और एंटी एजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा ये सनटैन को, रिंकल्स को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि गाइस इसमें होता है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा, जो हमारी स्किन को सनटैन और रिंकल्स से रिमूव करता है। लूज स्किन को टाइट बनाएगा, ग्लो करेगा हमारी स्किन इससे। और पपाया में पपायन नाम का भी एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप वीक में से दो बार इससे फेशियल करते हैं, यानी कि पपाया फेशियल करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर वीक में दो बार नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करना, ओके? तो अभी हो गया है कंप्लीट ये स्टेप, और इसके बाद हम लग करेंगे अपना दूसरा स्टेप। तो मैंने कॉटन की सहायता से उसे सारा रिमूव कर लिया है, एक्स्ट्रा जो भी था उसे हमने रिमूव कर लिया है। और यहाँ पे मेरा स्क्रब तैयार है। स्क्रब में मैंने मिक्स किया है चावल का आटा ही, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, ऑयली स्किन है मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है चावल के आटे से स्क्रब करना। तो इसीलिए मैं अधिकतर जो स्क्रब यूज़ करती हूँ वो चावल के आटे का ही करती हूँ, राइस फ्लोर। तो एक टेबल स्पून या फिर हाफ टेबल स्पून आप राइस फ्लोर ले लीजिए, और उसमें एक टेबल स्पून आप जो पपाया है उसे मिक्स कर लीजिए। और जो मिक्सचर आपने पहले बनाया था ना, उसी मिक्सचर में आप इन दोनों को और थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लीजिए, जितना मैंने बताया है। एंड देन आप धीरे धीरे करके स्क्रब कीजिए, इतना फास्ट नहीं करना है, मेरा वीडियो फास्ट मोड में है, तो आपको धीरे धीरे करके इसे स्क्रब करना है। तो स्क्रब हो गया है डन, और अभी मैं करके आ गई हूँ फेस वॉश। तो आप देखिए, फर्स्ट मतलब दो स्टेप फॉलो करने के बाद ही मेरी स्किन कितनी ग्लो करने लग गई है, आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पीछे कर लीजिए एंड फिर आप देख सकते हैं फ़र्क कितना नज़र आया है। तो अभी हमें करना है थर्ड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप के लिए आप ले लीजिए एक टेबल स्पून पपाया। एंड अब इसमें मिक्स करूँगी मैं मुल्तानी मिट्टी, वो भी हमें एक टेबल स्पून करना है, और एक टेबल स्पून हमें करना है चंदन पाउडर। और उसके बाद हमें कुछ बूंदें इसमें नींबू की मिक्स करनी है, और अब इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बना लीजिए। और ये रेडी है मेरा पेस्ट, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और अब इसे हम लगाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो ब्रश की सहायता से लगा लो, या फिर फिंगर टिप से लगा लो।
और गाइस मैं और भी बहुत सारे नेचुरल फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल। अभी मैंने लगा लिया है और ये हो गया कंप्लीट। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। एंड अभी हो गया है ये ड्राई और अब करूँगी मैं फेस वॉश। गाइज आप देख सकते हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है और मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा है एंड 100% इफेक्टिव भी है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं एंड ग्लोइंग ब्राइट स्किन को पा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।